बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बग्गा साहब का स्वागत किया जाए। सर सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर। आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है सर कि आपसे ज़्यादा बात करने को कुछ है नहीं हमारे पास, तो पहले ये बताइए सर आपके हालचाल क्या है। अनिल जी, सबसे अच्छा है कि हमारा कनेक्टिविटी ठीक है। मेरे से देख रहा था, जैन साहब भी स्ट्रगल कर रहे थे, अभी सुमित का भी कनेक्शन, तो बारिश इतनी अच्छी हो रही है, जबरदस्त बारिश हो रही है कि दिल नहीं कर रहा बिल्कुल काम करने का। खिड़की से देखते रहो, बड़ी अच्छी वर्षा हो रही है। अब मैं समझा सर, इतने टाइम बाद, इतने साल के बंसल जी का बार बार जो काम करने का मन नहीं होता, वो कहाँ से इंस्पायर हुए हैं? ये सारी इंस्पिरेशन बग्गा साहब से नीचे तक आ रही है। चलिए बताए सर, एक तो दो चीज़ें जो विशेष करके आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो जो जेरेमी पावेल साहब ने जो बयान दिया था परसों कि भाई 2 साल का मामला है ब्याज दरों को नीचे लाने में पूरी तरह से, और महंगाई 2% लाने के, क्या इसे सच्चा माना जाए? और अगर सच्चा है तो फिर इसका क्या असर रहेगा सर? नहीं, किसी को क्लू नहीं है अनिल जी, ये किसी को, कोई नहीं ऐसे कह सकता कि 2 साल हम नहीं काटेंगे। ये 2020 में कहते थे 3-4 साल हम रेट हाइक नहीं देखते, और कितने गलत रहे, वैसे ही ये इसमें भी गलत है। अब रेट कट क्यों आएगा? रेट कट आएगा अगर इकोनॉमी में मंदी आ रही है और इकोनॉमी को थोड़ा सपोर्ट की जरूरत आ रही है, वो तो अभी आते नहीं दिखता। ये साल तो ठीक लग जाएगा। जीडीपी जो यूएस का है एस्टीमेट, पहले क्वार्टर का तीसरा एस्टीमेट कल लेके आए, वो 2% पे आया, और ये जो अटलांटा फेड जो जीडीपी नाउ आंकड़ा निकालता है वो 27 जून का आंकड़ा 1.8 पे है, आज रात को आखिरी आंकड़ा आएगा, तो उसमें 1.8 से 1.9 लग रहा है दूसरे क्वार्टर का भी ग्रोथ। यूएस कंज्यूमर स्ट्रांग है, यूएस लेबर मार्केट स्ट्रांग है, यहीं पे फेड अब एक गलत मॉडल लेके बैठा हुआ है कि भाई अगर लेबर मार्केट स्ट्रांग रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती, तो हमें रेट बढ़ाते जाना पड़ेगा। तो ये 3 साल से गलत रहे हैं, इस साल भी गलत रहेंगे। इनका अपना डॉट प्लॉट जो मैंने आपको इनकी पिछली बैठक के बाद भी कहा था, एक तरफ ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 2.4 पे रहेगा दिसंबर अगले साल, इस साल नहीं अगले साल, 2.4 पे। दूसरा ये 1% की कटौती दिखा रहे थे अपने डॉट प्लॉट में, जो इनके 18 वोटिंग मेंबर्स हैं वो बोलते हैं कहां इंटरेस्ट रेट जाएगा। तो ये एक बिल्कुल ही असमंजस था, एक गलत बात दिख रही थी, इरिकंसाइलेबल था कि भाई ये लॉजिकल तो नहीं है। या तो इन्फ्लेशन बढ़ी रहेगी तो आप रेट नहीं काटेंगे, या इन्फ्लेशन गिरेगी क्योंकि इकोनॉमी नीचे जा रही है और आप रेट काटेंगे। दोनों तो नहीं हो सकता कि इन्फ्लेशन भी ऊपर रहे और आप रेट काट दें, ये तो आपके मॉडल के विरुद्ध है। तो उसको ये ठीक कर रहे थे, ये इसमें हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। जैसे जैक्सन होल में इतना हॉकिश रहे थे, वैसे ये पोर्चुगल में ईसीबी की बैठक थी परसों, वहां पे ये सारे बोले, बैंक ऑफ इंग्लैंड के ईसीबी की अध्यक्ष जो है क्रिस्टिन लगार्ड, बेली बैंक ऑफ इंग्लैंड के, और बैंक ऑफ जापान के युवेडा फर्स्ट टाइम आए थे, उन्होंने भी बातचीत करी। तो सब हॉकिश थे, मार्केट्स को यही दर्शा रहे थे कि भाई हम कंट्रोल में हैं, हम रेट बढ़ाते रहेंगे, ये हमें ज्यादा नहीं देखना है। अब ये जरूर हो गया है, कल फिर से मैड्रिड में बोले और उतना ही हॉकिश बोले, बट बॉस्टिक जो है, रफेल बॉस्टिक, एक और क्लीवलैंड ओहायो के जो है फेड के गवर्नर, उन्होंने कल कहा कि मुझे नहीं लगता कि गिवन है कि ये रेट बढ़ाने ही है, तो 85% जरूर प्रोबेबिलिटी जुलाई की हो गई है, बट वो 26 जुलाई तक है, अभी भी 4 हफ्तों का टाइम है हमारे पास, देखते हैं किस तरह के आंकड़े निकल के आते हैं। मेरे ख्याल से तो गलती होगी अब यहां से रेट बढ़ाना, क्योंकि लैग के साथ आएगा इसका असर, जब आएगा इकोनॉमी पे एक बड़ी लैग के साथ आएगा। और अगर आप मॉडल से जाएं, वही मॉडल मैं भी रन करता हूं, वो 6.3-6.5 अनएम्प्लॉयमेंट पे, इन्फ्लेशन 2% पे आती है, अगर आपको झटका मार के उसको लाना है, तो वो तो आपका 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने से कुछ होगा नहीं। हाँ ये ठीक है, लोग बोलेंगे हाँ ये बेचारा काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है फेड, तो चलो माफ कर दो इनको, बट अगर वो आपको एकदम से लाना है तो काफी ज्यादा और झटका देना पड़ेगा इस इकोनॉमी को, वो तो ये करने को तैयार नहीं है। तो उससे बेहतर रहेगा ये अभी इसको चलने दें, देखें
अगर नीचे ही ट्रेंड हो रही है इन्फ्लेशन, तो फिर कोई जरूरत नहीं है यहां से रेट बढ़ाने की। बाकी देखी जाएगी, जहां 5% मार्केट ने पचा लिया, और 25 बेसिस पॉइंट और 50 भी मार्केट पचा लेगा। तो ये पूरा का पूरा भाषण का मतलब है, और बहुत पहले सेंटेंस में भगत साहब ने साफ कह दिया न 2-3 साल पहले इनको पता था इतनी बढ़ाएंगे जी, न अब ये कह रहे हैं। तो मतलब जब जैसा हर पॉलिसी के बाद सिंपल रिव्यू करिए, करेक्ट, और हर पॉलिसी के बाद भगत साहब बता देंगे, चाहे वो पॉलिसी अमेरिका की हो चाहे भारत की रिजर्व बैंक की। हमने इसलिए पॉलिसी में भगत साहब को फिक्स करके रखा हुआ है, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी कितनी है वो बग्गा साहब की कंसिस्टेंसी से हम पता चल जाए। जी जी सर, जी सर। और अनिल जी एक ऐड हो गया जी, सेबी का बोर्ड बैठक भी उस दिन हम 6 बजे से लगे हुए थे, एक के बाद एक प्रोग्राम हम कैंसिल करे जा रहे थे कि किसी तरह से जी पे हम ब्रेकिंग करेंगे जी। और वो आते आते उनका 8:30 हो गया। तो मेरी गुजारिश यही है कि बंसल जी से एक चिट्ठी लिखवा देते हैं सेबी को, ताकि बैंक बैन होंगे तो बंसल जी होंगे, हम सब ना होंगे। तो चिट्ठी लिखवा दे, 2 दिन की बैठक करिए, ताकि इतनी देर रात को मार्केट मूविंग था। अब देखिए ये जो म्यूचुअल फंड दौड़ रहे हैं, एएमसी पे मैडम ने बहुत स्माइल देते हुए कहा कि म्यूचुअल फंड बहुत खुश होंगे जो हमारा फैसला आज हुआ है, क्योंकि हमने पहले फैसला किया, फिर डेटा म्यूचुअल फंड्स ने भेजा, तो बोर्ड ने कहा एक और कंसल्टेशन पेपर लेके आइए। तो फिर जर्नलिस्ट ने यही पूछा कि मैम यहां से फिर कहां जाएगा टोटल एक्सपेंस रेशियो। उन्होंने कहा मैं बोल रही हूं कि म्यूचुअल फंड्स खुश होंगे जो हम फैसला लेने वाले हैं और जो कंसल्टेशन पेपर आएगा। तो मार्केट मूविंग खबर थी, बट छुट्टी के दिन 9 बजे रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई तो कुछ हम कर नहीं पाए। तो अनिल जी अब सेबी की भी बोर्ड बैठक कवर करना शुरू कर दिया हमने जी बिजनेस पे बहुत क्लोजली, क्योंकि आप खुद एक म्यूचुअल फंड, मेरे ख्याल से डॉश म्यूचुअल फंड के हेड रहे हैं सर आप, राइट? कोटक, कोटक, कोटक। हाँ, सो इसलिए मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड के सर हेड रहे हैं तो कम से कम उनकी एक्सपर्टाइज का फायदा लिया जाए। और वाकई में जो सेबी चेयरपर्सन ने कहा, पहली बार म्यूचुअल फंड वालों के चेहरे पे तो मुस्कान आई है। देखो सर, स्टॉक देखो 10-10% सब भागे हुए हैं।